मोदी का पंच, कौन बनेगा देश का सरपंच? लोकसभा चुनाव का शोर, गारंटियों का जोर, एनडीए वर्सेस इंडिया की फाइट, मुकाबला टाइट, गारंटी युद्ध, जनता किसके है विरुद्ध? देश में लोकसभा चुनाव का शोर है तो गारंटियों का भी जोर है, विकास हवा, अब गारंटी ही दवा। चौथे चरण से पहले चुनाव में अब गारंटी वर्सेस गारंटी की आजमाइश सबसे ऊपर आ गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही अपनी गारंटियों को लेकर जनता के बीच हैं, तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी जवाबी गारंटियों को चुनाव में उतार दिया है। देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी, दिल्ली में करके दिखाई, पंजाब में करके दिखाई, पूरे देश के अंदर फ्री कर सकते हैं। 125,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, एक ही कैलकुलेशन करके लाया हूं मैं हवा में गारंटी नहीं देता। केजरीवाल की गारंटी एक ब्रांड है मार्केट के अंदर, अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो पूरी करते हैं। तो 125,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, 125,000 करोड़ रुपए हम इंतजाम करेंगे, 125,000, उसके अंदर पूरे देश के गरीबों को 200-200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकती है। एनडीए और इंडिया के बीच इस गारंटी युद्ध की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की 5 गारंटियों से हुई, जो उन्होंने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से पूरे देश को दी। प्रधानमंत्री ने देश को गारंटी दी। पीएम मोदी ने कहा कि जब तक मोदी है, धर्म आधारित आरक्षण नहीं होगा, SC ST OBC आरक्षण खत्म नहीं होगा, रामनवमी मनाने और श्री राम की पूजा से कोई रोक नहीं पाएगा, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई नहीं पलट पाएगा, CAA कानून को कोई भी रद्द नहीं कर पाएगा। एनडीए और इंडिया के बीच इस गारंटी युद्ध की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की 5 गारंटियों से हुई, जो उन्होंने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से पूरे देश को दी। प्रधानमंत्री ने देश को गारंटी दी। पीएम मोदी ने कहा कि जब तक मोदी है, धर्म आधारित आरक्षण नहीं होगा, SC ST OBC आरक्षण खत्म नहीं होगा, रामनवमी मनाने और श्री राम की पूजा से कोई रोक नहीं पाएगा, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई नहीं पलट पाएगा, CAA कानून को कोई भी रद्द नहीं कर पाएगा। अगर दिल्ली में आपका बेटा आपके लिए बैठा हो, तो ये धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए 125,000 करोड़ माताओं को गैस का कनेक्शन देने का काम एक बेटे की तरह किया है। बंगाल में हमने 5 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुलवाए, जिस बैंक के दरवाजे तक गरीब जा नहीं सकता था, दूर से भी बैंक की तरफ देख नहीं सकता था, आज करोड़ों करोड़ों बहनों का बैंक में खाता खोल दिया है। बंगाल में 50,00,000 से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, उनके खाते में ये पैसे सीधे जमा हो रहे हैं। हमने अकेले बंगाल में किसानों के लिए करीब 9,000 करोड़ रुपए उनके खाते में भेजे हैं। साथियों, कांग्रेस का भ्रष्टाचार। अब प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी का जिक्र किया तो फिर जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री 10 गारंटियों के साथ मैदान में उतरे, तो सबसे पहले उन्होंने गारंटियों के मोर्चे पर मोदी को फेल बताया। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर प्रहार किया। केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने 15,00,000 का वादा किया लेकिन पूरा नहीं हो पाया, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया लेकिन फिर भी अधूरा रहा, स्वामीनाथन आयोग का वादा अधूरा, 2022 तक 24 घंटे बिजली का वादा अधूरा, बुलेट ट्रेन का वादा भी अधूरा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता तय करेगी किसकी गारंटी में कितना दम,
भरोसे की कसौटी पर खुद पर भरोसा दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल ने फिर 10 गारंटियों का कंप्लीट प्लान वाला पिटारा खोल दिया। केजरीवाल ने गारंटियां दी कि 24 घंटे बिजली, गरीबों को फ्री बिजली, शानदार स्कूल और अच्छी शिक्षा, चीन से कब्जा छुड़ाना, अग्निवीर को पक्की नौकरी, गांव में मोहल्ला क्लिनिक, शहरों में फ्री मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, स्वामीनाथन रिपोर्ट पर किसानों को दाम, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। किसानों को आप इज्जत की जिंदगी दे सकते हैं अगर आप उनको उनकी फसलों के पूरे दाम दे दें। किसान कोई भीख नहीं मांग रहा, किसान अपना हक मांग रहा है। किसान अपनी बारिश में, धूप में मेहनत करके और अपनी फसल उगाता है, और उसके बाद जब उसको फसलों के पूरे दाम नहीं मिलते तब वो अपने ऋण नहीं चुका पाता, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता। अगर आप उसकी फसलों के दाम सुनिश्चित कर दें तो किसान को आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार के ऊपर किसानों को उनके फसलों के पूरे, सभी फसलों के पूरे दाम MSP के आधार पर पूरे दाम दिलवाए जाएंगे। इन गारंटियों को गिनाते समय केजरीवाल ने भी साफ किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो वो इन सारे वादों को पूरा कराएगी, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दों के दम पर अपनी गारंटियों पर ताल ठोक रहे हैं। लेकिन जनता किस पर भरोसा करेगी, 4 जून को पता चल जाएगा। एक तरफ गारंटी पर संग्राम है तो दूसरी ओर बंगाल के सियासी रण में एक बार फिर तुष्टिकरण ने गर्दन उठाई है। चौथे चरण से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर तुष्टिकरण के आरोपों की मल्टी बैरल जुबानी मिसाइलें दागी और उन्हें रामद्रोही तक बता दिया। PM ने ममता सरकार पर राम का नाम न लेने देने और आस्था के पालन पर चोट करने के आरोप लगाए। साथियों, TMC में आज लूट के 2 डिपार्टमेंट चल रहे हैं। TMC के नेताओं का काम है गंडोगोल, टीएमसी के नेताओं का काम है और टीएमसी के पाले हुए गुंडों का काम है जोमी दोखोल। टीएमसी के गुंडे खुले आम जमीन कब्जे करते हैं या नहीं, जमीन हड़पते हैं कि नहीं हड़पते हैं, जमीन लूटते हैं कि नहीं लूटते हैं, और ये सब कुछ सरकार के संरक्षण में होता है कि नहीं होता है, सरकार की कृपा से होता है कि नहीं होता है, सरकार की मेहरबानी से होता है कि नहीं होता है, और सरकार क्या कर रही है, गंडोगोल। चौथे चरण में बंगाल की 7 सीटों पर चुनाव है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने TMC के विधायक के बयान को आधार बनाते हुए हुबली, बैरकपुर, हावड़ा की रैलियों से पश्चिम बंगाल सरकार पर हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, बंगाल के लोग सतर्क रहें। प्रधानमंत्री ने ममता से लेकर इंडिया अलायंस पर वार किया। ममता सरकार पर तुष्टिकरण के आरोप लगाने वाली धार लगाते हुए जनता के सामने राम मंदिर से लेकर CAA तक के मुद्दों पर जनता को 5 गारंटी दे डाली। कहा, जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर किसी को तरजीह नहीं दी जाएगी। उन 5 गारंटियों के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर ममता चुप नहीं रहने वाली। लेकिन वो जुबानी तरकश से कब और कौन सी तीर निकालेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।